अभी तक हमने निदर्शन पद्धति के अंतर्गत दैव निदर्शन के बारे में पढ़ा था। दैव निदर्शन के कितने प्रकार होते हैं, दैव निदर्शन और या संभाव्य निदर्शन के गुण उद्देश्यों के बारे में आज आपको बताएंगे। दैव निदर्शन पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि एक लिस्ट होती है, सूची होती है, जिसमें रैंडमली सेलेक्ट होते हैं जितने भी कैंडिडेट हमें सेलेक्ट करने हैं, वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, इसलिए उसमें प्रत्येक के चुने जाने की संभावना 100% होती है। इसलिए यह विधि जो है वो प्रतिनिधित्व पूर्ण है और सरल है, पहली। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिक विधि। यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि दैव निदर्शन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निदर्शन का आधार होता है, क्योंकि दैव निदर्शन के आधार पर जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं के आधार पर अपने आगे का हम शोध तैयार करते हैं। अगला गुण है इसका, यह सरल विधि है, जटिल या गूढ़ सिद्धांतों या तथ्यों का पालन नहीं करना पड़ता, निष्पक्ष होती है क्योंकि निदर्शन के चुनाव के दौरान किसी के लिए भी शोधकर्ता के लिए व्यक्तिगत भावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये विधि ही ऐसी है, इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की पूर्ण संभावना होती है, प्रत्येक इकाई से कोई विशेष लगाव की बात नहीं होती है। धन समय और श्रम को बचत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस विधि में इकाइयों के चयन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धता रह जाती है तो उसका फिर दोबारा से पता लगाना भी सरल होता है। दैव निदर्शन प्रणाली के दोष, सूची न होने पर कठिनाई। इसमें सबसे बड़ी इसकी शर्त जो है, इकाइयों की सूची होना अति आवश्यक है। अगर सूची नहीं होगी तो दैव निदर्शन या यदृच्छ जो सिलेक्शन होता है इसके अंतर्गत, या रैंडमली जो सिलेक्शन होता है, बिना सूची के संभव नहीं होता है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे पास 100 या 50 व्यक्ति नहीं होंगे, तो उन व्यक्तियों में से 50ों में से चुनाव की संभावना किस तरीके से हम चुनेंगे। दूसरा इसका अवगुण है या दोष है, जो समग्र यदि बहुत छोटा है, इकाइयाँ उसमें और बहुत छोटा और सभी इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण है कि उनमें से किसी को भी छोड़ना से सूचनाएं सही प्राप्त नहीं होंगी या सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे, तब यह विधि थोड़ी सी अनुपयोगी हो जाती है। अगली इसका जो दोष है वो यह है, यदि समग्र बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण होता है, यानी बहुत सारी इकाइयां होती हैं समग्र में, समानता ना के बराबर होती है, तब भी इस विधि में सजातीयता का अभाव हो जाता है और रैंडमली सेलेक्शन का महत्व नहीं रह जाता। अगला है, विकल्प नहीं होता है, विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होता है, ऐसी स्थिति में दैव निदर्शन अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। स्तरीकृत यदृच्छ निदर्शन, ये सरल यदृच्छ निदर्शन हमने पढ़ा था, अब स्तरीकृत यदृच्छ निदर्शन शब्द से स्पष्ट है, यदृच्छ मतलब रैंडमली, स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर, यानी जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको पहले वर्ग में विभाजित कर लीजिए, फिर उनका रैंडमली सेलेक्शन कर लीजिए, ये इसका सामान्य अर्थ है। अब थोड़ा सा इसे सही से समझा देते हैं। यह उद्देश्यपूर्ण निदर्शन और दैव निदर्शन दोनों का मिश्रित रूप होता है। इसमें सर्वप्रथम इकाइयों को या समग्र को विचारपूर्वक वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित संख्या में दैव निदर्शन के आधार पर इकाइयों का यदृच्छ सेलेक्शन कर लिया जाता है, यदृच्छ चुनाव कर लिया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसलिए हम आपको इंग्लिश में ही बता सकते हैं। रैंडमली सिलेक्शन, रैंडम हम समझते हैं कि जैसे एक साथ किसी की भी, बताया था मैंने आपको टिपेट पद्धति, लॉटरी पद्धति और इस तरीके की पद्धतियाँ होती हैं, जब सभी इकाइयाँ एक साथ हैं और हमें उनमें से एक चुनाव करना है तो फिर वो रैंडमली सिलेक्शन हो ही जाता है। इसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, इसे मैं उदाहरण से भी समझा सकती हूँ। जैसे हमें किसी क्षेत्र विशेष जैसे जयपुर शहर कि हमें जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो हमें सबसे पहले संपूर्ण क्षेत्र की विभिन्न जातियों का, संपूर्ण क्षेत्र को जातियों में बांट देंगे। अब जाति वर्ग का आधार हो जाएंगी और उसी के आधार पर वर्ग के निर्माण हो जाएंगे, जितनी जातियाँ होंगे उतना वर्ग हो जाएगा। उसके पश्चात प्रत्येक जातीय समूह में से दैव निदर्शन के आधार पर निश्चित मात्रा में इकाइयों का चुनाव कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने अध्ययन शुरू करेंगे।
इसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, आनुपातिक स्तरित निदर्शन, असमानुपातिक स्तरित निदर्शन और भारयुक्त निदर्शन। आनुपातिक स्तरित निदर्शन का तात्पर्य है कि अनुपात, जिस अनुपात में वर्गों का निर्धारण करने के बाद में किसी क्षेत्र विशेष का जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो वर्गों का निर्धारण कर लेंगे, वर्गों का निर्धारण करने के बाद में इकाइयों का चुनाव उतने ही प्रतिशत या अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में संबंधित वर्ग की समस्त इकाइयां समग्र में हैं। जैसे एक वर्ग है, जयपुर शहर की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो 7 जाति समूह हैं वहाँ पर, मान लीजिए एक तरीके से 7 में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब हिंदुओं का प्रतिशत 60 है तो समग्र के लिए जो हम इकाइयां चुनेंगे तो 60% लोगों का चुनाव किया जाएगा समग्र में, उस वर्ग में से 60%। जैसे 600 लोग हैं, 600 का 7% चुनाव कर लिया जाएगा। फिर जैसे मुस्लिम अगर 20% है तो उन मुस्लिमों की जितनी संख्या है उसका 20% चुनाव कर लिया जाएगा। इस तरीके से हम आनुपातिक स्तरित निदर्शन के आधार पर इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। अगला है असमानुपातिक स्तरित निदर्शन। इसमें समग्र के प्रत्येक वर्ग से समान अनुपात में निदर्शन एक निश्चित अनुपात बना लिया जाता है। जैसे 5% लोगों का ही चुनाव करना है और 7 वर्ग हैं, जनसंख्या 7 की अलग अलग है, जनसंख्या को आधार ना बनाकर हमें 7% हर जनसंख्या में से 7% लोगों का चुनाव करना है तो ये असमानुपातिक स्तरित निदर्शन हो जाता है। अंतिम है भारयुक्त स्तरित निदर्शन। इस विधि में दोनों विधियों का मिश्रित रूप होता है। पहले प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं का चुनाव कर लिया जाता है, फिर उसके बाद अधिक संख्या वाले वर्ग की इकाइयों को अधिक वेटेज देकर उनका भाव बढ़ा दिया जाता है। यानी जितने भी वर्ग बनाए हैं हमने जाति समूहों के, उसमें से समान संख्याओं का चुनाव कर लिया जाएगा, यानी असमानुपातिक स्तरित निदर्शन हो जाएगा, समान संख्या समान अनुपात में। फिर उसके बाद में अधिक संख्या वाले वर्ग की जो इकाइयां हैं या जिस समूह का, जिस जाति समूह का जनसंख्या अधिक है उसको, उसकी इकाइयों को वेटेज दे दिया जाता है, भार प्रदान कर दिया जाता है। और यह भार उसी अनुपात में दे दिया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयां समग्र में होती हैं। तीसरा है इसमें बहुस्तरीय निदर्शन या बहु मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग जो होती है। इस विधि के अंतर्गत एक तो निदर्शन के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उस बड़े क्षेत्र में से निदर्शन निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इस विधि में निदर्शन का चुनाव जो है स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे मल्टी स्टेजेस निदर्शन कहते हैं। जैसे हम किसी संपूर्ण नगर को कई वार्डों में बांट देते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से और निवासियों की दृष्टि से समान होने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ ग्रह समूहों का चुनाव देव पद्धति के आधार पर कर लिया जाता है और प्रत्येक ग्रह समूह में से कुछ परिवारों का चुनाव कर लिया जाता है। यानी सबसे पहले क्षेत्र या वार्डों में विभाजन हुआ, फिर उनका वार्डों में से ग्रह समूहों का चुनाव हुआ, फिर ग्रह समूहों में से परिवार का चुनाव हुआ, फिर प्रत्येक परिवार से सूचना देने के लिए सूचनादाता के रूप में एक व्यक्ति का चुनाव हुआ जो मुखिया होता है परिवार का। तो इस तरीके से 4 या 5 स्तरों में हम निदर्शन का चुनाव कर पाते हैं। अंतिम चुनाव जो होता है व्यक्ति का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। इस विधि में स्तरित निदर्शन विधि और देव निदर्शन दोनों का प्रयोग किया जाता है और सावधानीपूर्वक अगर इस विधि को काम में लेते हैं तो सही तरीके से हम अपने शोध के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और यह अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली विधि होती है।